जय। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। विशाल दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी कठैत ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नरसिंह मंदिर गांव से और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज प्रोग्राम है रावल जी का बद्रीनाथ जाने का, क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले तैयार होती है गाड़ू घड़े की और बद्रीनाथ की जो गद्दी होती है वो आज जाएगी पाण्डुकेश्वर, पाण्डुकेश्वर से बद्रीनाथ। विष्णु वाहन तैयार है गाड़ू घड़े को लेकर बद्रीपुरी जाने के लिए। पौराणिक परंपराओं को निभाते हुए टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा शुभ नक्षत्रों पर तिल से तेल निकाला जाता है, जो भगवान बद्री विशाल की नित्य पूजाओं में इस्तेमाल होता है। इस तेल के घड़े के कलश को गाड़ू घड़ा कहते हैं, जो टिहरी राज दरबार से बद्रीनाथ भेजा जाता है। आज का यह शुभ समारोह आरंभ हो चुका है। एक तरफ सभी श्रद्धालु भगवान की डोली के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान बद्री विशाल के मुख्य अर्चक रावल जी, बद्रीपुरी के धर्माधिकारी एवं सभी पुरोहित इस समारोह के सभी अनुष्ठानों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कर रहे हैं। आज इस समारोह में रावल जी निर्विघ्न कपाट बंद होने तक सभी परंपराओं को निभाते हुए भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना को संपूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। भगवान नरसिंह के प्रांगण में यह वृक्ष, जिस पर सभी श्रद्धालु चुंदरी बांधकर भगवान नरसिंह से मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पर रावल जी 6 माह बद्री विशाल की पूजा निर्विघ्न संपूर्ण करने का संकल्प ले रहे हैं। कलियुगस्य प्रथम चरणे भूमंडलोके जम्बूद्वीपे हरखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते हिमवत् पर्वतैकदेशे केदारखंडे केदारखंडान्तर्गते वर्णखण्डामण्डले ज्योतिष्पीठे ऋषिगवधीश्वरस्य क्षेत्रे षष्ठस्थानां मध्ये पिङ्गलनाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे वसन्त। श्रद्धालु गण बहुत भावुक हो चुके हैं। आज उनके आराध्य बद्री विशाल, जिनके नित्य शीतकालीन पूजाएं नरसिंह मंदिर में हो रही थी, आज प्रतीकात्मक रूप से भगवान बद्रीपुरी जा रहे हैं 6 माह के लिए। रावल जी का संकल्प भी अपने अंतिम चरणों पे है। इसके बाद बद्री विशाल का जयकारा लगाते हुए डोली को बद्रीपुरी के लिए रवाना किया जाएगा। ये श्योकार भगवान बद्री विशाल की डोरी को उठाने के लिए तैयार है। श्योकार वह लोग होते हैं जिनकी पौराणिक काल से ही यह दायित्व होता है कि वह भगवान की नित्य पूजा अर्चनाओं में मदद करेंगे, सभी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिभाग करेंगे और आज के दिन भगवान की डोरी को पाण्डुकेश्वर पहुंचाने तक इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। यह नरसिंह मंदिर व बद्रीनाथ मंदिर के हक हकूकधारी होते हैं। भावुक होकर सभी श्रद्धालु अपने आराध्य बद्री विशाल को विदाई दे रहे हैं। नगर की सभी महिलाएं अपने आराध्य के लिए मांगल गीत व भजन कीर्तन करके विदाई देने के लिए आई हैं। बहुत ही भावुक क्षण है। यहाँ एक और सभी स्थानीय लोग उदास हैं, वहीं उनके मन में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की खुशी भी है, क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश लोगों की आर्थिकी में बद्री विशाल की यात्रा का अहम योगदान होता है। श्री बद्रीशो विजयते, भगवान बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सभी तीर्थ यात्रियों को भगवान बद्री विशाल के संतोषजनक दर्शन प्राप्त हों एवं भगवान बद्री विशाल उन सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट भी डालते रहिए और मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग होगा आपका रामायण, जो विश्व विख्यात वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से फेमस है। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। जय बद्री विशाल।